हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं और आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि बाज़ार में जो है उतार का जो बाज़ार है वहाँ पर कोपर के बर्तन और तांबे के बर्तन का क्या रेट है और क्या क्या है। आप बताइए क्या क्या है आपके पास और आपकी शॉप कहाँ पर है पहले ये बता दीजिए। गांधी चौक निसार। क्या नाम है शॉप का? मधु बर्तन भंडार। अच्छा अच्छा, तो ये जो है ये बर्तन जो है जैसे ये मटका है इसका क्या रेट पड़ता है? ये 1200 रुपये के जी। 1200 रुपये के जी। तो टोटल नेट कितना वेट होगा इसका अगर कोई मटका लेना चाहता हो तो? नहीं वैसे ही बता देते हैं अप्रोक्सीमेट ना, तो 1 किलो 760 ग्राम वेट है। अच्छा अच्छा, तो 1 किलो 760 ग्राम, तो 2000 के करीब पड़ गया होगा। और ये जो है जैसे ये गिलास है ये आप कितने का दे रहे हो? ये 200 रुपये का पर पीस है। ये 200 रुपये का आपको ये गिलास मिल जाएगा पर पीस हिसार मार्केट में। और ये तौल के है जी 1200 रुपये के जी। ये भी 1200 रुपये के जी है। एक लीटर का ये 1.5 का, इससे बड़ा 2 लीटर। अच्छा एक बार ये बता देखना कितना का पड़ता है ये। तो 1200 रुपये के जी के हिसाब से है और ये जो है 450 ग्राम है, 420 ग्राम, तो ये आपको 500 के करीब होना चाहिए। और ये जो है ये आपका बना हुआ है कॉपर की, कॉपर का है और ये क्लासिक कॉपर बोतल है। जय श्री बाबा ठाकुर जी। और देखते हैं इसका क्या रेट है? ये 650 की पड़ेगी। ये 650 रुपये की आपको हिसार मार्केट में मिल जाएगी। और इसका क्या रेट पड़ जाएगा? ये 1200 रुपये के जी। ये भी 1200 के हिसाब से, एक मिनट तोलना इसको हटा कर, ये 1200 के हिसाब से ये भी देखते हैं क्या रेट पड़ता है। ये आपको 280 ग्राम है, तो ये मतलब जी 300 के करीब पड़ना चाहिए, 300 से थोड़ा बहुत ऊपर। हाँ भाई थोड़ा महंगा है। अच्छा, और ये जो है ये 120 के करीब पड़ेगा, ये 100 ग्राम वेट होता है। ये 120 रुपये का आपको मिल जाएगा क्योंकि कॉपर का अगर बाज़ार से सामान लेने के लिए आप ऑनलाइन मंगवाओगे तो इससे भी थोड़ा महंगा पड़ता है। और ये इनके पास जो है ब्रास का एक मटका है और इसका क्या रेट पड़ता है? ये 825 रुपये पीस है जी। 825 रुपये का पर पीस है। और जो ब्रास का जो मटका होता है ये कहते हैं कि दूध रखो तो बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है, अमृत होता है, पर पानी आप इसमें एक ही दिन रख सकते हैं। और आपके पानी रखना तो कली करवा के रखो। अच्छा कली करा के रखो। एक बार बताओ कि ये अगर ये जो तांबा होता है प्योर, उसकी क्या निशानी होती है, उसको कैसे धोना होता है? वो जी अपने ये पीताम्बरी होती है या फिर चिनाई वाली रहती हो। अच्छा अच्छा, या चूल्हा जलाते थे पहले लकड़ी की राख हो। हाँ हाँ, वो सबसे बढ़िया इसको धोने के लिए। अच्छा, मांझने के सरफ से मत साफ करो इसको, इसको सरफ से ना साफ। चाहे पीतल हो चाहे ये कॉपर हो। अच्छा, चाहे ब्रास हो। ब्रास हो चाहे कॉपर। अच्छा, जो स्टील के अगर हो, स्टील के कितने के पड़ जाते हैं वैसे? अगर आपके पास देखो अगर गिलास का रेट है, अगर आप स्टील में बढ़िया गिलास लोगे तो जी 50 रुपये का पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, 50 रुपये का गिलास होगा अच्छी क्वालिटी में। अच्छा अच्छा, ये आपका कभी भी क्रैक होगा इसकी लाइफ टाइम गारंटी होगी। गिलास तो आपका मजबूत है, पर पीस काफ़ी महंगा होगा गिलास। नहीं कम रेंज में जी, ये 25 रुपये का पड़ेगा। अच्छा, ये 25 का पड़ेगा ऊपर। अच्छा अच्छा, और ये कटोरियाँ इसका क्या रेट है? ये 400 रुपये के जी है जी, तो इनकी लाइफ टाइम गारंटी होती है। 400 kg के हिसाब से स्टील के कटोरियाँ मिल रही है। और ये डोंगे ऊपर कितने की है? ये 800 रुपये सेट है जी, कॉपर वाला तीनों का। तीन साइज होते हैं जी, ये एक बड़ा है, एक ये छोटा है, एक ये ऊपर। और ये ऊपर जो मटका पड़ा है वो उसका क्या रेट है? रखा है जी वो 1200 रुपये का लोटा है जी। अच्छा अच्छा, ये वाला इधर वाला जी 650 का, 650 का एक 1200 का। और ये जो आपकी बाल्टी है ये क्या कितने की? 400 रुपये के जी। 400 रुपये के केजी के हिसाब से आपको ये जो है स्टील की बाल्टी मिल जाएगी। और ये कितने का पड़ जाते हैं? ये पड़ता है जी कोई 60 का, इससे बड़ा 80 का है। अच्छा, ये डिफरेंट रेट है, 60, 80, 30, 40। 400 रुपये के जी आएगा, 400 रुपये के जी के हिसाब से स्टील के बर्तन ले सकते हैं। वो ये ऊपर वाले डोंगे भी ये भी उसी हिसाब से है। कौन से जी? ये जो ऊपर डोंगे पड़े हुए हैं ये लोटे हैं जी, लोटे लोटे। ये छोटा लोगे इसमें 150 रुपये का, बड़ा 180 का पड़ेगा। 150 छोटा वाला 80 रुपये का। और ये 180 का जी, 180 का सॉरी। और ये कितने का पड़ेगा? ये 400 रुपये के जी है जी। अच्छा, 400 रुपये के जी। और ऊपर जो है ये वाला 450 रुपये के जी जी, ये वाला 350 रुपये के जी है डोली। अच्छा सर, डोली जो है 350 और 400। ये 300 रुपये के जी है जी। हाँ। ये 450 रुपये के जी। अच्छा सर, 300 से 450 के। तो ये है सारी एक्सेसरीज जो है आपको, बर्तन वगैरह आपको मिल जाएंगे। और ये थाली ये भी तोल के हिसाब से है जी? ये भी तोल के हिसाब से 400 रुपये? नहीं बढ़िया में लोगे 400 है जी।
ये लोगे 200 है, अच्छा, ये भोजन थालियां खाने के लिए 220 पड़ेगी, 200 220। हाँ जी, इसमें लाइट वेट है ये भी 220 पड़ेगी, बढ़िया में 300 400 रुपये पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो हम जो है हरियाणा में है, इंडिया हरियाणा। और ये क्या चीज़ है, इसका क्या रेट पड़ेगा? ये फ्राई पैन है जी, तड़का लगाने का एल्यूमिनियम। अच्छा अच्छा, ये कितने का पड़ता है? 300 रुपये किलो है जी। 300 रुपये किलो का जो है एल्यूमिनियम का जो है आपको मिलेगा। कुकर शीट का होता है जी? हाँ जी, कुकवेयर का माल होता है, कुकर कुकवेयर का। और ये इसका जो है, ये 400 रुपये के जी, 400 रुपये के जी के हिसाब से आपको स्टील की जो है ये। और इनकी लाइफ टाइम गारंटी होगी, जो 400 रुपये के जी माल है ना, हाँ हाँ, आपका कभी भी क्रैक हो गया किनारे पे से चेंज हो जाएगा, इनकी लाइफ टाइम गारंटी है। और ऊपर जो है ये आपके ये जो है डब्बे वगैरह जी, ये 450 रुपये के जी, ABC कंपनी का है, कभी भी क्रैक हो गए चेंज हो जाएगा, लाइफ टाइम वारंटी है। और 450 रुपये के जी के हिसाब से। और ऊपर वाले जो डिब्बे हैं बड़े बड़े, हाँ वो भी इसी रेट के जी, वो बड़े साइज में बस। तो एक बार आपकी शॉप एक बार और बता दो। हाँ जी, कहाँ पर है? गांधी चौक में है, मधु बर्तन भंडार। अच्छा अच्छा, और ये जो बाल्टियाँ हैं एल्यूमिनियम की होंगी? तो ये 250 रुपये किलो है जी। अच्छा अच्छा, और स्टील में लोगे इस बाल्टी में बढ़िया में 300 रुपये के जी जी। बीच बैठे हुए ये 200 रुपये की। और ये जो प्याज का जो प्याज स्टैंड जो है, ये पड़ती है जी 400 रुपये की, टोल के 400 रुपये टोल के पड़ती है। और ये आपके पास कोई मिल्टन का जग कोई कुकर कह रहे थे? अच्छा, ये जो पड़ा आपका पीरल का जो है, ये ओट मिल स्टील मेड, ये कितने का है? ये पड़ेगा जी 850 रुपये का स्टील। अच्छा अच्छा, और वो पर्ल का है वो 250 रुपये। अच्छा अच्छा, और ये कौन सा है? पिलर है जी, उसका प्लेटिनम कंपनी का। और इसका क्या रेट है? ये पड़ेगा जी 650 रुपये। 650 रुपये का। और ये 16 ब्लेड का है जी, और एक इसमें इससे कम ब्लेड का है जी हमारे पास। और ये इनके पास एक पैनासोनिक, एक ये 12 ब्लेड का है जी। अच्छा अच्छा, ये 550 का पड़ेगा। ये 550 का 12 ब्लेड वाला है जी। तो ये 12-in-1 चिप्सर है, चॉपर है जी, ये खोल सकता है क्या ये? हैं जी, ये एक बार खोल के दिखा दो। तो ये है, तो डिफरेंट प्रकार के आपको ये चिप्सर मिल जाएंगे इसमें, जो भी डिजाइन है आपने किचन के अंदर बनाना हो। ये सब्जी छील लेगा जी, छिलर छिलर, और ये अलग अलग इसके साँचे हैं इसके। 550 का आपको ये ये ब्लेड है, चिप्स वगैरह स्लाइस वगैरह करने के, अलग अलग स्लाइस बनानी हो कोई भी, इसमें आप 12 प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपका हम धन्यवाद करते हैं। और ये इनकी गांधी चौक पर जो है शॉप है, और इनका जो शॉप आपको दिखाएं, तो ये है मधु बर्तन भंडार हिसार में गांधी चौक। तो इस वीडियो